Good morning students. Today we are going to explain chapter number 14, our rights and duties. अब हम क्या जो हमारा नया चैप्टर है our rights and duties, जो हमारे अधिकार होते हैं और कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है. Now what is rights? अधिकार क्या होते हैं जो हमें इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, उनको हम राइट्स बोलते हैं, जिन उनको उनका हम यूज़ करके हम इंडिया में या किसी भी जगह इंडिया के किसी भी जगह हम आराम से रह सकते हैं फ्रीली होके, और अपने कोई भी थॉट्स, फीलिंग, रिलीजन हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, राइट्स होते हैं. अब ड्यूटीज़, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, जिनको हमें क्या करना चाहिए, हमें परफॉर्म करना चाहिए, ठीक. नाउ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि हमें कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपना काम करती है, ठीक है, कैसे कंट्री को चलाती है, कैसे फंक्शन करती है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारे इंडिया का, वो वर्ल्ड का लिखित, रिटन मतलब लिखित, लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है. हमारा जो इंडियन संविधान है, भारतीय संविधान है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट रूल्स आवर कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो कार्य करती है अपना, ठीक है, रूल करती है किस पे, कंट्री पे, ठीक है, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो इसमें रूल्स दिए हुए हैं वो क्या है, वो लैंड के मतलब इस भूमि के सुप्रीम लॉ है, ठीक है, सर्वोच्च कानून है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इफेक्ट में कब आया, मतलब लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, मतलब इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक, प्रभाव में आया था. दिस इज़ द डे वी सेलिब्रेट एज आवर रिपब्लिक डे. और इसी दिन को हम, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे बना हुआ है, किस सिद्धांत पे बेस है, ठीक है, उसका बेस, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक, सोशलिज्म मतलब सामाजिक, और सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सिद्धांत क्या है, लोकतांत्रिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष. तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब कि जो यहाँ इंडियन सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, वो वोट्स देते हैं उन्हीं के, फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, ताकि उससे क्या बनता है, उससे हमारी गवर्नमेंट बनती है, और गवर्नमेंट, ठीक है, फिर वही गवर्नमेंट रूल करती है. तो इसीलिए हम जो हमारा प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक है, ठीक है, और सबके पास इक्वल राइट है, वो जिसको भी चाहे वो उसको वोट दे सकते हैं, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. सोशलिज्म मतलब जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सबको बराबर दिए गए हैं, ठीक है, वो किसी पे बेस नहीं है कि कास्ट या फिर रिलीजन या फिर कलर स्टेटस, इसको देख के
हमें राइट नहीं मिले हैं, ठीक है, जो भी हमें राइट्स मिले हैं वो सभी को एक जैसे इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, कोई भी अगर कोई भी इंसान जो भी इंडिया में रहता है, जो भी इंडियन सिटीजन है, वो कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों मेन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रिंसिपल है, जिस पे कि हमारा जो संविधान है वो बेस है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।